हेलो भाई, तो कैसे आप सब लोग। तो मैं आज आपको लाइटरूम के फोटो एडिटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं कैसे क्या फोटो एडिट करता हूँ आप उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कुछ नहीं ज़्यादा गाइस, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ दो मिनट में मैं आपको फोटो एडिटिंग करके बारे में बता दूंगा। तो कुछ नहीं, मैं आज कॉपी पेस्ट करूंगा, तो मैं जो भी प्रीसेट यूज़ करूंगा वो आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसे। तो बने रहिए वीडियो आगे तक। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। तो आज मैं आपको लाइटरूम एडिटिंग कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो देखिए, आज हम इस फोटो को एडिट करने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने कैमरे से क्लिक किया है, नॉर्मल फोटो ही है। तो आज हम इस फोटो को एडिट करेंगे। तो देख सकते हो आप, ये अपन इस बैकग्राउंड ये वाली कॉपी पेस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं इस ये फोटो मैंने अभी एडिट किया थोड़ी देर पहले, 10-15 मिनट पहले। तो इसी की बैकग्राउंड अपन उस फोटो पे लगाएंगे। देख सकते हो आप, ये फोटो मैंने एडिट करा था अभी। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक मिनट में आपका फोटो एडिट हो जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट का आजकल लाइटरूम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो नॉर्मली बात है, हर कोई यूट्यूब पर देख कर सब कर लेते हैं। तो देखिए, आप भी कर सकते हो, दो मिनट में आपका फोटो एडिट हो जाएगा। तो आप भी आसानी से एडिटिंग सीख सकते हो। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है यहाँ पर, क्लिक करना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद आपको जाना है, ये लिखा रहा है कॉपी सेटिंग, कॉपी सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक कर दिया कॉपी सेटिंग पे, आपको करना है क्या, फिर अपने जो फोटो आपको एडिट करना है उस फोटो पे आ जाना है। उसके बाद आपको करना है क्या, फिर यहाँ पे पेस्ट सेटिंग लिखा है, देख सकते हो सारी गाइस, इसमें दिख रहा है आपको पेस्ट सेटिंग। तो आपको पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना है। तो ये अभी ऐड हो रहा है, ये पेस्ट सेटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया। देख सकते हो अपनी काफ़ी अच्छी बैकग्राउंड पे कलर आ चुका है, मतलब बैकग्राउंड अच्छी लग रही है अपनी काफ़ी। देख सकते हो ये नॉर्मल फोटो बता देता हूँ मैं आपको, ये अपना फोटो ऐसा था पहला, अब ऐसा होगा एक ही क्लिक में। देख सकते हो गाइस, तो मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ एक मिनट में लगा मेरे को, दो एक मिनट लगा सिर्फ गाइस। तो देख सकते हो आप, एक ही मिनट में आपका फोटो कितना अच्छा एडिट हो चुका है, ये देख सकते हो गाइस। देखिए ये नॉर्मल फोटो। तो गाइस, आपको और इसमें कभी और कुछ बैकग्राउंड चेंज करनी हो तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, आपको कहाँ पे यहाँ पे जाना है, इधर यहाँ पे जाना है आपको, मिक्स वाले टूल पर। यहाँ पे मैं मिक्स वाले टूल पर चल गया हूँ, आपको फिर चबदना है इस पर, यहाँ पर चबद दिया आपने, क्लिक कर लिया मतलब। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है आपको, ये हरा हरा दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड का कभी कलर चेंज करना हो, आपको ये पीला नहीं जम रहा हो, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। वैसे देख सकते हो, ये देखो, ये एक ही कलर में आप देख सकते हो, एक ही में आपकी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी, देखो ये काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है आपकी बैकग्राउंड में, देख सकते हो हरा आ गया, ये देख सकते हो। और भी आपको कभी और कलर चेंज करना हो, ब्लैक करना हो, डार्क, जैसा भी आपको करना हो, जैसा जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये देखिए, तो मेरे को तो पीला अच्छा लगा, मैं पीला ही कर रहा हूँ। तो आपको कभी गोरा करना हो तो ये यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे जाने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा गोरा हो चुका हूँ मैं, देखिए गाइस, ये जैसा आपको करना है। तो मैंने अभी तो यहाँ पे 5-6 पे रखा है, तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये गाइस, मैंने फ़ोटो एडिट करा, कैसा आपको फ़ोटो लगा ये। तो गाइस, मैंने जो आपको वीडियो एडिट करके बताइए, तो आपको वो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना।